एवरीवन, वेलकम बैक टू आदि मनी व्लॉग्स। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक और प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं, क्योंकि हमारा बेबी जो है अब 6 मंथ का होने ही वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो हमारा ना अब जैसे बैठने लगा है, तो हमने सोचा उसके लिए एक ऐसी चीज़ मंगाई जाए जिसपे वो ईजिली बैठ सके, और दूसरी चीज़ ये है कि जिसपे बैठ के ना उसको अच्छा लगे। तो हमने ये मंगाया है अमेजोन से, प्ले मैट मंगाया है हमने। प्ले मैट आप लोगों को पता ही होगा कि बच्चों के खेलने के लिए स्पेशली आते हैं, और वैसे तो हमने इसको ओपन कर दिया था, बट हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि कैसा है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी मुझे इसकी लगी है, प्रॉपरली जैसे आना चाहिए बॉक्स में वैसे आया है। ये अगर आप आपको दिख रहा होगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये इतना बड़ा है, और मैंने इसको ऐसे सिर्फ 2 फिंगर्स से पकड़ा हुआ है। ये इसके साथ एक पॉजिटिव चीज़ और है कि आपको ना इस मैट को इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ इसका पैकेट आया है, तो आप इसको वापस इसके अंदर पैक कर सकते हो। अब हम खोल के देखते हैं ये कैसा है। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये फोल्डेबल है। अभी ये बहुत छोटा है, बट ये एक्चुअल में बहुत बड़ा है, और ये रिवर्सिबल भी है, यानी कि 2 साइड है। आप चाहो तो इसको ऐसे बिछा सकते हो, आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना मर्जी ओपन कर सकते हो। इतना बिछाना है इतना बिछा दो, और ये फुल ओपन जब होता है तो ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा है जितनी बड़ी एक कारपेट होती है। और इतना बड़ा होने के बावजूद ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है। एक चीज़ और दिखा दूँ कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि 2-साइडेड है। बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि वो इंटरेस्टिंग तरीके से बैठ सकता है, जैसे इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। और जब हम इस पर चलते हैं ना, तो अगर आप पास से देखोगे तो मैंने जैसे यहाँ पैर रखे हैं, ये फॉर्म की मैट है, तो आपको वहाँ पे कोई पैरों के ऐसे निशान नहीं दिखेंगे, दबे होने के मैट, जबकि ये फॉर्म की मैट है और फॉर्म बहुत जल्दी दब जाता है। बट इसका फॉर्म इतनी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने लगाया हुआ है कि वो बाउंस बैक कर रहा है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ जो इसके अंदर है वो ये है कि ये BPA फ्री है। BPA फ्री का मतलब है कि इसका जो प्लास्टिक है, अगर बच्चा ऐसे लेट के कई बार सक कर लेता है ना, चाट लेता है चीज़ों को, तो वो ये बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी लगी है, क्योंकि नव भी है, जैसे मैं उसको टमी टाइम देती हूँ, तो मैं उसको टमी टाइम इस पर लिटा के बहुत ईजिली दे सकती हूँ। अगर उसको चाट भी लेगा ना, मतलब अगर मैं इसको सैनिटाइज क्लीन करने के बाद, तो कोई प्रॉब्लम उस चीज़ में है नहीं। अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन बना है, ट्रैक वगैरह बना है, जैसे अगर नव बड़ा हो जाएगा तो भी वो इसके ऊपर प्ले कर सकता है, वो इस पर ट्रेन वगैरह चला सकता है, अपनी गाड़ियाँ चला सकता है, जो भी वो चाहे। और ऊपर भी अगर आप देखोगे ना, तो मतलब ये बच्चे को सिखाने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसमें से ट्रांसपोर्ट सिखा सकते हो, कलर सिखा सकते हो, बच्चे को ये पता लग जाएगा कि कितने तरह के ट्रांसपोर्ट हैं, कैसे हवा में चलने वाले हैं, सड़क पे चलने वाले हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी सी इसके अंदर चीज़ लगी है। और यहाँ का डिज़ाइन अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे हौच पौच, अगर आप सपोज आपको लग रहा है कि ये मेरे मतलब का नहीं है, अगर आप ये सेकंड साइड देखोगे ना, तो ये बड़ा सोबर और बड़ा क्लासी सा है। इस पे जो नीचे का डिज़ाइन अगर आपको दिख रहा होगा, तो वो ऐसे दिया हुआ है जैसे बच्चा पेंटिंग्स करता है ना, बच्चे ड्राइंग्स करते हैं, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ऐसे लगी कि बच्चे को एक्सेप्टेबल फील कराने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आउल्स बने हैं, ट्रीज बने हैं, बड़े सुंदर कलर बने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मैट सिर्फ बच्चों के लिए है, जब आप जैसे सपोजिंगली मैं मदर हूँ नाव की, तो मैं भी इस पे इजीली बैठ सकती हूँ, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। इवन आप बच्चे को ना इसके ऊपर बैठ के खाना भी खिला सकते हो। खाना खिलाने का मतलब ये नहीं है कि अगर इस पे कुछ गिर गया तो आपको ये डर लगेगा कि अरे इस पे तो कुछ गिर गया है, ये गंदा हो जाएगा, इसका कलर लाइट है, नहीं। ये मैट जो है, सबसे पहली बात तो वाटरप्रूफ है, सेकंड आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हो, धो सकते हो आप इसको इजीली, और थर्ड चीज़ ये है कि इसकी जो प्राइस है, उस प्राइस में ये मैट बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमने काफ़ी सारे मैट्स देखे, बट जितनी इसकी हाइट और लेंथ है ना, उतनी हाइट और लेंथ का ना सारा ही 1500 अबव है जितने भी मैट्स हैं, बट ये हमें मिला है सिर्फ 900 रुपीज़ में। और ये जो है, ये 5.5x6 फिट है, अगर आप इसकी हाइट अगर मैं आपको एक्यूरेटली बताऊं, और ये 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस जो है इसकी है। अगर आप थिकनेस अगर आपको ऐसे दिख रहा होगा ना, तो ये काफ़ी थिक भी है, तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो बच्चों के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा है। और एक और प्लस पॉइंट इसका है कि ये एंटी स्लिप है, यानी कि बच्चा ना इस पे भागते हुए ना फिसलेगा नहीं। ये जो ऐसे इन्होंने बनाया है, ये इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चा इस पे ना फिसले, उसके पैर जो है इस पे ऐसे स्टिक हो जाए,
तो ये मैट मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आप चाहो तो इसे वेरियस तरीके से आप यूज कर सकते हो, परमानेंटली बिछा सकते हो जहाँ पे भी आप बच्चे का प्ले एरिया बना रहे हो वहाँ पे। आप चाहो तो इसके चारों तरफ वॉल लगा सकते हो, अगर आप वॉल लगा दोगे तो उसके अंदर आप टॉयज बच्चे के कलेक्ट कर सकते हो, जैसे वॉल्स डाल दो बहुत सारी, या जो भी आप टॉयज उसको देना चाहते हो वो डाल दो, जिससे कि उसके टॉयज फैलेंगे भी नहीं और मतलब इस मैट के ऊपर ही रहेंगे। तो वो चीजें भी बहुत मुझे अच्छी लगी है। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस के अंदर और जो क्वालिटी हमें मिली है उस हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा हमें लगा है, और मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट लेना हो तो हम इसका लिंक नीचे शेयर कर देंगे और आप उस लिंक से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से, इसमें कुछ डिज़ाइन भी आई गेस अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का डिज़ाइन चूज करके मंगा सकते हैं। और अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना है, बाई चांस ऐसा होता है कि गेस्ट आ रहे हैं और भाई मुझे ये वाला एरिया क्लीन चाहिए, तो ये ना मतलब इतना ईजीली आप इसको उठा सकते हो और आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, बेड के नीचे रख दो, सोफे के नीचे रख दो, टेबल के नीचे रख दो, बेड के अंदर डाल दो। और सबसे अच्छी चीज़ है ना, इसके साथ बैग है तो इसके गंदे होने का कोई चांस नहीं है, आप बैग के अंदर इसको पैक करो और रख दो। तो ये हमारी तरफ से आज का प्रोडक्ट रिव्यू था। अभी आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का और कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप हमें बता सकते हो कि हम अपने बच्चे के लिए और क्या मंगाएं जो कि हमारे यूज़ में रहे। जो पहले से मदर्स हैं वो हमें सजेस्ट कर सकती हैं, फादर्स हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और हम लोग ना बहुत मेहनत करते हैं छोटे बच्चे के साथ, हम दोनों अकेले हैं और फिर भी मतलब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे एफर्ट्स दिखाई देंगे, हमारा काम दिखाई देगा। तो आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि और कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम अपने बच्चे के लिए मंगा सकते हैं, यूज़फुल रहेंगे, या आपके हिसाब से हमें रिव्यू वो करना चाहिए, आप उसे मंगाना चाहते हैं बट आप मंगा नहीं रहे हैं, हम उसे मंगा के हम उसे रिव्यू करने की कोशिश करेंगे अगर वो हमारे बजट में होगा तो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप हमें बहुत महंगी चीज़ बताएंगे तो भी हम मंगाएंगे, नहीं, ऑब्वियसली बजट हर किसी को देखना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।